कुल्लू जिला में लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए 12,000 से अधिक महिलाएं कुल्लूई लोक नृत्य कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। ये बात कुल्लू जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने कही। उन्होंने कहा कि ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान में आगामी 10 मई को प्रातः 10 बजे मेगा कुल्लूई नाटी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला भर से 5,000 से अधिक महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर मानव श्रृंखला का निर्माण कर लोक नृत्य करेंगी। स्वीप कार्यक्रम के तहत तो कुल्लू में 12,000 से अधिक महिलाएं कुल्लूवी लोक नृत्य कर मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त तो कुल्लू यूनुस ने कहा कि ढालपुर के ऐतिहासिक रथ मैदान में 10 मई को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं वोटर आई कार्ड के साथ कुल्लूवी लोक नृत्य कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। इस मेगा प्रदर्शन का उद्देश्य जिलावासियों सहित प्रदेश के लोगों को आगामी 19 तारीख को मतदान करने का संदेश देना है। यूनुस ने कहा कि इस बार जिला में लोकसभा के लिए किए जा रहे मतदान की प्रतिशतता को बढ़ाना है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक गांव में घर घर और व्यक्ति तक पहुंचकर स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्कूली बच्चों के माध्यम से भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त ने आम जनता से आग्रह किया कि वे नाटी में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और पारंपरिक कुल्लूवी वेशभूषा में तैयार होकर भाग लें। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे देश में एक संदेश जाए और लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना मतदान दें। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे देश में एक संदेश जाए और लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना मतदान देकर सहयोग करें। पूरे जिला कुल्लू में स्वीप एक्टिविटीज सब डिवीजन लेवल पे और हर गली गांव के नुक्कड़ और कॉर्नर पे हो रहा है। सब डिवीज़न लेवल पे हमने इस बार महानाटी का आयोजन किया। महानाटी, मेरा ये मानना है कि महानाटी एक तरह से ह्यूमन चेन है, क्योंकि नाटी एक ऐसी हमारा परंपरागत जो डांस है, एक ट्रेडिशनल हमारा फोक डांस है, वो हम एक मानव श्रृंखला बनाते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जिसमें हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जो हमारा जो कल्चर है उसको हम दिखाते हैं। कुल्लू ज़िला में सब डिवीज़न लेवल पे मनाली का माल रोड है, आनी के ग्राउंड में, बंजार और सेंच में हम अलग अलग दिन इसका आयोजन कर रहे हैं। और जो भी ये परफॉर्मेंस रहेगा वोटर कार्ड के साथ रहेगा परफॉर्मेंस, और जिस जो अगर 18 साल की कम उम्र से उसमें है तो वो एक अपनी तरफ से सॉलिडारिटी दिखाएगा कि मैं भी आने वाले टाइम में इस लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट करूँगी और दूसरों को इनक्रेज करूँगी। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, इस चीज़ का एक मैसेज देगी। इसी के संदर्भ में 10 तारीख को, 10 मई को कुल्लू जिला का जो रथ मैदान है वहाँ पे हम बड़ी भारी तादाद में हमारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं, महिलाएं हैं वो, और जो कॉलेजेस और स्कूल के जो बच्चियां हैं वो मिलकर इस एक आईसी एक्टिविटी है, स्वीप एक्टिविटी को वो करेंगे। और इसका एक इस आयोजन का मकसद यह है कि हम ये मैसेज गली गली और गांव गांव में पहुंचाएंगे कि इस बार हमने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है सुनिश्चित करना है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।